हाँ चैनल निशा किचन, आज मैं एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सावर वेज सूप की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में हॉट एंड सावर वेज सूप की रेसिपी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। देखिए फ्रेंड, मैंने गैस ऑन किया है, पैन रखा, पैन में 1.5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे गार्लिक, मैंने गार्लिक लिया अच्छी तरह से चॉप करके गार्लिक डालेंगे, जिंजर डालेंगे रफली चॉप करके, हरी मिर्च डालेंगे, 2-3 हरी मिर्च है, और एक मीडियम साइज अनियन लिया है वो डालेंगे, चलाएंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे। अब वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल में हम गाजर मैंने ली है, 2 मीडियम साइज गाजर लेके रफली चॉप करके डालेंगे। गाजर, बीन्स रफली चॉप करके डालेंगे, हरे मटर, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। चलाएंगे हाई फ्लेम करके। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, देन हम कैबेज डालेंगे अपनी चॉप करके। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब स्वीट कॉर्न डालेंगे। हाफ बाउल लिया मैं, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फर्स्ट सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया, अकॉर्डिंग टेस्ट डाली आप, अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब स्टेज में हम पानी डालेंगे। मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल किया है, बॉईल हो चुकी है सभी सब्जियां। अब हम स्टेज में 1 चम्मच बड़ा विनेगर डालेंगे, डार्क सोया सॉस 1/2 टीस्पून, टोमेटो केचप डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, अच्छी तरह चलाएंगे मीडियम फ्लेम करके। अरे फ्रेंड्स, हम चिल्ली रेड चिल्ली सॉस डालेंगे हॉट के लिए, और सावर के लिए हमने विनेगर डाला। सब चीज़ को चलाएंगे। धनिया के पत्तियाँ डालेंगे, हरी पत्ता डालेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ढक के अब हम 10 मिनट्स तक से बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम में। तब तक फ्रेंड हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कॉर्न स्टार्च देंगे, कॉर्न स्टार्च 2 बड़े चम्मच, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। थिकनेस करने के लिए हमारे सूप को, देखिए फ्रेंड्स डालेंगे अब 10 मिनट हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमें कॉर्न स्टार्च डालने से पहले टेस्ट कर लेंगे कि सॉल्ट हमारा सभी चीज़ें
ठीक है कि नहीं, फिर आप और डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा सा सॉल्ट कम था तब मैंने डाला है, आप भी टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अब हम कॉर्न स्टार्च डालेंगे, थोड़ा कट करके डालना है हमें फ्रेंड्स, एक ही बार ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा सूप ठीक हो जाएगा। हमारा सूप बन के रेडी हो गया है। लास्ट में हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ स्पून डाला मैंने, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और डिस आउट करते हैं। हमारा वेज सूप बन के रेडी है।